हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शमा ध्रुव शुक्ला में। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शमा शुक्ला है। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जो कलेक्शन लेकर आई हूँ, वो साड़ी हॉल लेकर आई हूँ। जो हॉल रहेगा ये मीशो से रहेगा। मीशो साड़ी हॉल लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारे साड़ीज़ जो मैंने ऑर्डर किए, बहुत ही प्यारी साड़ी ऑर्डर की है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही कम रेंज में, मतलब आप सोच सकते हो ऐसे रेंज में साड़ी हैं जिनसे तो आप मतलब आज के टाइम पे कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। मतलब जो मैंने साड़ी का रेंज रखा है, मिनिमम रेंज है मेरी साड़ी का, आई थिंक 293 है, आई थिंक या 250, मतलब ऐसे ही रेंज में, मतलब 200 की स्टार्टिंग से है और मैक्सिमम मैंने 500 तक का रखा है। आप सोच सकते हो कि आज के टाइम पे अगर 200-300 रुपीस लेकर जाओ तो आपको क्या मिलता है, क्योंकि आज कितनी महंगाई। लेकिन उसमें आपको मीशो इतने अच्छे कम प्राइस में बहुत ही प्यारे साड़ीज अवेलेबल कर रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो सच में आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैंने लगभग ये 4 साड़ीज ऑर्डर की हैं। इसमें मैंने कॉटन सिल्क भी रखा है, इसमें लहरिया साड़ी भी रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास साड़ी है ये, इस कलर की, पैरेट कलर की। मुझे इसमें आई थिंक और भी कलर्स अवेलेबल थे, बट मेरे पास पैरेट कलर में नहीं थी, मैंने इसलिए पैरेट कलर में मंगाई है। ये साड़ी बहुत प्यारी। प्रोडक्ट्स के जो भी इसमें लिंक नहीं रहता है, इसमें कोड रहता है मीशो में, तो मैं प्रोडक्ट के कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। प्राइस मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। इस तरीके से आपको लहरिया साड़ी ग्रीन कलर में आपको गोल्डन की लाइनिंग में दे रखी है। ये पूरी लहरिया सिल्क साड़ी है, मतलब वो वाली नहीं है, वो जो पतले कपड़े में होती है। बहुत अच्छा खासा इसमें कपड़ा मोटा दिया है। इस तरीके से आपको, पहले मैं ब्लाउज दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से प्लेन ब्लाउज मिल जाएगा। ये जो ब्लाउज रहेगा आपका कॉटन में रहेगा, और ब्लाउज में आपको इस तरीके से लेस लगी हुई मिल जाएगी। मोतियों की लेस है ये, इस तरीके से लगी हुई मिल जाएगी। पूरी साड़ी आपको इस तरीके से गोटे, ये जो लाइनिंग दे रखी है ना, ये गोल्डन के प्रिंट हो रखा है, ये गोटा पट्टी नहीं है, गोल्डन प्रिंट आपको इस तरीके से पूरे साड़ी में मिल जाएगा। और ये जो लेस लगी है आपको पूरी साड़ी में इस तरीके से लेस लगी हुई मिल जाएगी। आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारी साड़ी है। कुछ जॉर्जेट भी नहीं है, मतलब आप इसको प्योर जॉर्जेट भी नहीं कहोगे। इसमें मिक्स कर रखा है सिल्क में, थोड़ा सा जो कपड़ा होता है ना सिल्क में, कॉटन जॉर्जेट मिक्स कर रखा है, तो बहुत ही प्यारा है। आप इसका कपड़ा देखो, यहाँ पे आपको बॉर्डर में साइड में इस तरीके से टैसल मिल जाएगा। पूरी साड़ी की जो लेंथ दे रखी है वो आई थिंक 5.4 मीटर दे रखी है, और इसको ब्लाउज का जो इसमें पीस दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.8 मीटर में, ऑरेंज कलर में, आप देख सकते हो। आप इसका डिज़ाइन देखना गाइस, बहुत अच्छी इसमें डिज़ाइन दे रखी है। मतलब डिज़ाइन नहीं कहते हैं, मतलब जो प्रिंट दे रखा है ना वो बहुत अच्छा दे रखा है। इसको देखो, जयपुरी टाइप में जो प्रिंट बनते हैं ना, ये वो प्रिंट लगा रखा है इस तरीके से। ये जो साड़ी आपको दे रखी है ये कॉटन में दे रखी है, कॉटन सिल्क साड़ी है इस तरीके से। इसकी भी गाइस जो लेंथ दे रखी है ना वो प्रॉपर 5.4 मीटर दे रखी है। इस तरीके की पूरी साड़ी है। नीचे आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाएगा, ग्रे और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दे रखा है। इस तरीके से आपको जयपुरी का ये प्रिंट मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा। पूरी साड़ी बहुत प्यारी है गाइस, बहुत सुंदर है। सबसे अच्छी बात है कॉटन में, वो वाला कॉटन नहीं है जो आवाज़ करता कर कर वाला, वो वाला नहीं है, वो सॉफ्ट वाला कॉटन है। मतलब आप किसी भी फंक्शन में आप इसको पहनकर जा सकते हैं। अच्छी ज्वेलरी अगर आप इसमें वेयर करेंगे तो बहुत अच्छी लगने वाली है ये साड़ी। ऑरेंज कलर है, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल थे, आप चेकआउट कर लेना। ये इसका यहाँ पर पल्लू है इस तरीके से प्रिंट में, ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया है, और ये ब्लाउज आपको दे रखा है इस तरीके से, ब्लाउज की पूरी कट दे रखा है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू थर्ड साड़ी। ये साड़ी लहरिया है, ये मैंने बहुत मुझे अच्छी लगी, आप कलर देख सकते हो। ये लहरिया सिल्क में साड़ी है, बहुत प्यारी है। ये मजेंटा कलर में है, पर्पल भी नहीं है, मजेंटा कलर है, बहुत प्यारा कलर लगा मुझे। इस तरीके से है, नीचे आप बॉर्डर देख सकते हो, इस तरीके से बॉर्डर लगा रखा है, लहरिया सिल्क में है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो कपड़ा दे रखा है ना, बहुत ही अच्छा कपड़ा दे रखा है, मोटा, मतलब वो नहीं खिसकने वाला नहीं है, बहुत अच्छा कपड़ा दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको इसमें ब्लाउज दिखा देती हूँ। प्लेन आपको ब्लाउज मिलेगा
इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी वर्क नहीं दे रखा है, प्लेन आपको 0.4 मीटर का ब्लाउज मिलेगा। यहाँ से आपकी साड़ी शुरू होती, आप पास से देखो इसमें भी आपको गोल्ड का ही ये प्रिंट मिल रहा है, इस तरीके से डिजाइन। साड़ी का जो कपड़ा है अच्छा खासा मोटा है, मतलब ऐसा मोटा नहीं है कि जैसे लहरिया साड़ी होती है ना बहुत ही पतले में होती, ये वो कपड़ा नहीं है, पतला मोटा कपड़ा दे रखा है। लहरिया सिल्क में है ना, तो आप सिल्क का कपड़ा आप जानते हो कैसा होता है, बस ये वही साड़ी। और यहाँ पे इस तरीके से आपको नीचे इस तरीके से आपको हल्का बॉर्डर दे रखा है, जैसे आपको सिल्क में बॉर्डर देते हैं ना वही आपको यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है। बहुत ही गाइस प्यारी साड़ी है, आप वीडियो में देखो बहुत ही सुंदर लग रही है। फेस्टिव वियर से पूजा फंक्शन, हमारे घर में छोटे मोटे जो फंक्शन होते रहते हैं आप उसमें पहनोगे तो ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगने वाली। इस तरीके से आपको ये दे रखा है, ये आपका बॉर्डर रहेगा, पूरा बॉर्डर आपको इस तरीके से दे रखा है, बहुत प्यारी है गाइस। साड़ी में जो कपड़ा दे रखा है वो भी 5.4 मीटर का है, प्रॉपर साड़ी है, अच्छी खासी लेंथ दे रखी है साड़ी में। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, कलर ये लेना चाहो आप ले सकते हो, इसमें भी और कलर्स अवेलेबल थे वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारी है। ये मरून कलर में है, आप देख सकते हो खुद ही। ये साड़ी मैंने रक्षाबंधन के लिए मंगाई है, मैं रक्षाबंधन वाले दिन इस साड़ी को वेयर करने वाली हूँ, अगर मेरा ब्लाउज टाइम पर बन गया तो, क्योंकि मुझे जो ये साड़ी रिसीव हुई मुशो से वो कल ही रिसीव हुई है, तो मैंने कल ही जाके जब मुझे रिसीव हुई तो कल ही मैंने इसका ब्लाउज डाल दिया। टाइम से अगर मेरा ब्लाउज बन गया तो मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। गाइज ये साड़ी इतनी औसम है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, मतलब इसमें जो प्रिंट कर रखा है ना साड़ी जो है ना, ये रबड़ है, रबड़ प्रिंट की साड़ी है, रबड़ वाली जो साड़ी होती है ना वो है, और इसमें जो प्रिंट कर रखा है ना ये रबड़ प्रिंट का कर रखा है। ये साड़ी का जो कलर, जो प्रिंट, ये जो साड़ी है ना फैब्रिक जो इसका है ये मलाई सिल्क है। सबसे पहले तो आप साड़ी देखो, इतनी सॉफ्ट साड़ी है, इसका फैब्रिक ही मलाई सिल्क है, मतलब मुझे इतनी प्यारी लगी। जिनको हैवी साड़ियाँ पहनना, बहुत ही काम वाली साड़ियाँ नहीं पसंद है, लेकिन अपने घर जा रहे हैं, अपने मायके जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, जिनके अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो उनके लिए ये साड़ी बहुत अच्छी है। इस तरीके से पहले तो मैं आपको ये पल्लू दिखा देती हूँ, ये पल्लू है, इस तरीके से पल्लू में आपको इस तरीके से टैसल लगे मिल जाएंगे पूरा इस तरीके से, और पूरी साड़ी में इस तरीके से रबड़ प्रिंट का काम किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से लेस लगा रखी है मोटी, ये काम कर रखा है लेस का, और इस तरीके से पूरा गोल्डन में आपको पत्तियाँ मिल जाएंगी, रबड़ प्रिंट कर रखा है गाइस। इस साड़ी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के, इसीलिए मैंने चूज की है कि मैं इसको ही रक्षाबंधन में पहनने वाली हूँ। इस साड़ी की भी लेंथ आपको प्रॉपर दे रखी है, पूरी 5.4 मीटर ही दे रखी है पूरी साड़ी, और इसका जो कपड़ा दिया है ब्लाउज का वो कॉटन सिल्क है। सो गाइज ये थे मेरे कुछ साड़ी का हॉल मीशो से, मुझे बहुत पसंद आई, चारों साड़ियाँ मेरी एकदम परफेक्ट है। अगर लेकिन आप मुझसे पूछो कि पर्सनली मुझे एक साड़ी कौन सी पसंद है, जो मैंने लास्ट वाली दिखाई ना मरून की जिसमें रबर प्रिंट हो रखा था, मलाई सिल्क बहुत अच्छी है, मतलब सबसे अच्छी बात रेंज, ऊपर से उसका जो कपड़ा स्टॉक बहुत अच्छा है गाइज, बहुत अच्छा, इजी टू वियर है, सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। जिनको साड़ी कम पहनते हैं तो उनके लिए तो ये साड़ी बहुत ही औसम है, तो ये वाली साड़ी लास्ट वाली आप जरूर मंगवा के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर मन करे तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।